नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 अप्रैल शनिवार सुबह 9 बजे भरतपुर, उदयपुर और अजमेर की खास खबरें। भरतपुर के कामा में करीब 2 माह पूर्व थाना के गांव देवड़ा में फरार आरोपी को पकड़ने गई महिला सब इंस्पेक्टर नरगिस खान को गांव के कुछ लोगों द्वारा बंधक बनाकर मारपीट करने पर पुलिस दल पर हमला करने के आरोपी मुफीद पुत्र चोडू में निवासी लेवड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भरतपुर के शिवानी डायग्नोस्टिक सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कराने और ना ही किसी प्रकार के मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करने के मामले में और अवैध वसूली करने के आरोप में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर राजेश गोयल ने नोटिस जारी किया है। बताया गया कि चेकिंग के दौरान आपके द्वारा किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करवाई जा रही थी और ना ही किसी प्रकार की मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा था। जाँच में पाया गया कि सोनोग्राफी करने के लिए मरीजों से अवैध वसूली भी की जा रही थी। भरतपुर सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक के प्रबंधक निदेशक ब्रजेश शर्मा को बिना अनुमति के मुख्यालय से गैर हाजिर होने पर जिला कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को देखते हुए भरतपुर जिले में पदस्थापित समस्त संभाग एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को मुख्यालय न छोड़ने के आदेश दिए थे। उसके बावजूद 16 अप्रैल को MD विजेंद्र शर्मा मुख्यालय पर उपस्थित नहीं थे। इस पर उन्हें 2 दिन में अपना स्पष्टीकरण उपस्थित होकर देने के निर्देश दिए हैं। भरतपुर के ब्याना थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसेड़ी थाना के गांव महू के नगला में लॉकडाउन में धारा 144 के बीच प्रशासन द्वारा शादी संपन्न करवाई गई, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से केवल 5 लोग ही शामिल हुए। वहीं शादी की रस्मों के तहत वर वधु पक्ष ने लॉकडाउन पालना करते हुए सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर दुल्हा दुल्हन के साथ सभी ने मुंह पर मास्क लगाकर शादी की रस्में निभाई। यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस कप्तान मृदुल कच्छावा ने बताया कि दुल्हा दीपक गोस्वामी निवासी ब्याना जिला भरतपुर की शादी काफ़ी समय पहले ही 16 अप्रैल को निर्धारित हुई थी। शादी पर दुल्हन डिम्पल ने बताया कि शादी की रस्मों के दौरान लॉकडाउन की पालना का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही शादी की गई। अजमेर के कायड़ निवासी एक मुस्लिम परिवार ने सांप्रदायिक सौहार्द सद्भावना की मिसाल पेश करते हुए शुक्रवार को मृतक विजय सिंह का हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया। नईम खान देशवाली ने बताया कि कायड़ क्षेत्र में उनके परिवार के रफीक मॉयल फार्म में विजय सिंह गत 12 वर्षों से कार्य कर रहा था। चूँकि विजय सिंह की माता पिता की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है और उसने विवाह भी नहीं किया था। गुरुवार देर रात विजय सिंह का आकस्मिक निधन हो गया। निधन की सूचना विजय सिंह की बहन सहित अन्य परिजनों को दी। मुस्लिम परिवार ने ही मुखाग्नि दी। देशवाली ने बताया कि परिवार का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आया, इसलिए देशवाली परिवार ने ही विजय सिंह का अंतिम संस्कार किया। देशवाली परिवार के सदस्यों ने ही शव को मुखाग्नि भी दी। इस अवसर पर मोहम्मद आरिफ, इस्लाम खान, हुडमान सिंह, दतार सिंह आदि उपस्थित थे। अजमेर में पुष्कर पुलिस व पुलिस मित्र टीम ने पुष्कर में वाहनों पर पूरे शहर में फ्लैग मार्च कर लोगों से लॉकडाउन के पालन करने की अपील की थी तथा अब तक दिए गए सहयोग के लिए जनता का आभार जताया। पुष्कर वासियों ने जगह जगह पुलिस का पुष्प वर्षा व तालियां बजाकर गर्मजोशी से स्वागत किया और हौसला बढ़ाया। DSP विनोद कुमार व थानाधिकारी राजेश मीणा ने के संयुक्त नेतृत्व में शुक्रवार की शाम पुलिस थाने से फ्लैग मार्च शुरू हुआ। अजमेर में रसद विभाग की टीम ने कल 3 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। इसमें 2 उचित मूल्य दुकान और 1 आटा मिल शामिल है। रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि टीम नाका मदार सहित उचित मूल्य दुकान पर जांच करने गई तो यहां डीलर महेंद्र सिंह ने न तो मूल्य सूची लगा रखी थी, न ही स्टॉक की जानकारी, न ही अप्रैल में मिलने वाले अधिक गेहूँ का विवरण दर्शाया। इस दुकान की मशीन में दर्ज गेहूँ की मात्रा भी 7,832 किलो कम पाई गई। इसी प्रकार गुलाबबाड़ी के राकेश दीवान की उचित मूल्य दुकान पर दबिश दी, यहाँ भी लगभग 90 किलो गेहूं कम पाया गया। यहाँ PDS गेहूं के साथ ही बाजार का गेहूं भी बेचा जा रहा था। अधिकारी ने बताया कि आटा मिल गेगल पर भी छापा मारा गया। यहाँ राजेश गुप्ता की इस मिल में कई अनियमितता पाई गई है। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र के वाटोवाला नाले पर मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में ही हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया तथा नाबालिग किशोरी को डिटेन किया। आरोपियों ने प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या करना अस्वीकार किया है। SP कैलाश चंद्र विश्नोई ने बताया कि कमोल निवासी राम सिंह पुत्र हरि सिंह की हत्या, बोरोवाली मादड़ी निवासी रमेश पुत्र वक्ता रमेश पुत्र नाना राम व उसके भाई कैलाश पुत्र नाना राम ने कर शव को नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने रमेश व कैलाश को गिरफ्तार किया, जबकि रमेश पुत्र नाना राम अभी फरार है। मामले में सहयोगी रहे रमेश की नाबालिग प्रेमिका को पुलिस ने डिटेन किया है।
उदयपुर में लॉकडाउन अवधि में आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने के लिए रसद विभाग की ओर से कार्रवाई जारी है। कल विभाग की टीम ने जांच की, इसमें पंचवटी क्षेत्र में 3 दुकानों पर अनियमितता मिलने पर सील कर दिया गया। इन दुकानों में महेंद्र स्टोर, सैफी बुरहानी इंटरप्राइजेज, उज्जैन किराना स्टोर, यहाँ वस्तुओं की कालाबाजारी कर सामान महंगे दामों पर बेचा जा रहा था, जिसके चलते निरीक्षण किया गया और शिकायत सही मिलने पर इन तीनों दुकानों को सील कर दिया गया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।